हेलो हेलो हाँ जी गुड इवनिंग एवरीवन राम राम जय हिंद नमस्ते सत श्रीकाल सभी को एक बार वॉइस वीडियो बताएं भाई चेक करके वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें ओके हैं क्या उसके बाद आज से अपनी पहली क्लास कंप्यूटर की स्टार्ट कर देते हैं एक बार सभी जो जुड़े हैं वो वॉइस और वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट करके कि वॉइस और वीडियो दोनों चीजें ओके हैं क्या और किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना जरूर से जरूर क्योंकि अपनी जो क्लासें कंप्यूटर की वो अब लगातार चलने वाली हाँ जी वेरी गुड इवनिंग सभी को लेट मी नो ऑडियो और वीडियो इज एवरीथिंग ओके सब कुछ ठीक ठाक है ना ऑडियो और वीडियो जी वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई सभी को गुड इवनिंग एक बार वॉइस वीडियो चेक करना सभी ओके है वॉइस एंड वीडियो हाँ जी ओके है सर ओके 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 थैंक यू सो मच बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का तो आइए करते हैं शुरू अपनी कंप्यूटर की सीरीज आज अपनी की पहली क्लास है और इस क्लास में हम एमसीक्यू पढ़ेंगे इन ईस्ट जो सीरीज है जो ये 500 एमसीक्यू की इनके अंदर हम एम सी क्यू पढ़ेंगे जो आप जो कि आपके हर एग्जाम के अंदर काम आने वाले हैं वैसे तो प्योरली ये सी जी एल के लिए आपके सी एच एस एल के लिए लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है आजकल सभी एग्जाम में आते हैं आपको पता ही है और बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सभी एग्जाम के लिए ये जो सीरीज रहेगी आपकी बहुत ही बेहतरीन सीरीज होने वाली है ठीक है हाँ जी आज बिल्कुल पहली क्लास है तो चलिए करते हैं शुरू बिल्कुल पहले क्वेश्चन से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल पहला क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि ऑल फॉर्म ऑफ रोम आर ऑल्सो नॉन एच रोम के सभी रूपों को इस रूप में भी जाना जाता है यानी कि रोम के जो जितने भी रूप हैं उसे और क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन की इसे और क्या कहा जाता है इसे और क्या कहा जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन कंप्यूटर में बहुत सारे बनते हैं और ध्यान रखना कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मत छोड़ना जिसमें ये पूछा गया हो कि इसे और क्या कहा जाता है इसे और क्या कहा जाता है ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर तो है तो के बिल्कुल गौर गौर सही आ रहे हैं तो आपको तीन चीजें अगर मैं बता दूं तो कैसा होगा एक तो आपका फर्मवेयर क्या होता है एक आपका फर्मवेयर एक आपको मैं बताना चाहूंगा हार्डवेयर इनका सभी को पता ही होगा फर्मवेयर होता है एक हार्डवेयर होता है कंप्यूटर की टर्म कंप्यूटर से जुड़ी ही टर्म एक आपका सॉफ्टवेयर होता है क्या होता है एक आपका सॉफ्टवेयर होता है, और तीसरी चीज तीसरा वेयर कौन सा होता है चौथा चौथा वेयर आपका कौन सा होता है भाई चौथा वेयर आपका क्या होता है लाइव वेयर होता है क्या होता है लाइव वेयर होता है तो ये चार वेयर हैं चार क्या हैं आपके वेयर हैं जो कंप्यूटर में आपके काम आते हैं कौन से कौन से वेयर हैं फर्मवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और लाइव वेयर ये चार वेयर है जो आपके काम आते हैं ठीक है ना इनको अच्छे तरीके से नोट करना क्या नोट करोगे लाइव वेयर क्या होता है जो कंप्यूटर को प्रयोग करता है कौन होता है लाइव वेयर जो कंप्यूटर को चलाता है उसे लाइव वेयर कहा जाता था पहले ठीक है ना जो कंप्यूटर को चलाता था ठीक है ना उसे क्या कहा जाता था Wear, या चलाता है उसे लाइव वेयर कहा जाता है यूजर कहा जाता है आजकल इसे क्या कहा जाता है यूजर कहा जाता है कहा जाता है? कहा जाता है कौन होता यूजर जो कंप्यूटर को यूज करता है यानी कि चलाता है क्लियर है बात सभी को अब देखो फर्मवेयर क्या होता है फर्मवेयर होता है आपका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर क्या होता है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर होता है फर्मवेयर हार्डवेयर भी होता है और आपका सॉफ्टवेयर भी होता है यानी कि जब हार्डवेयर बनाया गया था उसी समय जो सॉफ्टवेयर डाला गया है वो आपका फर्मवेयर है क्या है फर्मवेयर है क्लियर जो आपका हार्डवेयर है ये टेंजिबल फॉर्मेट है क्या है इसे कहा जाता है हार्डवेयर को टेक्निकल भाषा में टेंजिबल क्या कहा जाता है टेंजिबल कहा जाता है जिसे हम छू सकते हैं क्या कहा जाता है टेंजिबल कहा जाता है जिसे हम छू सकते हैं ठीक है ना देख सकते हैं वो टेंजिबल है टेक्निकल टर्म है और सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है क्या होता है सॉफ्टवेयर आपका सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है सॉफ्टवेयर क्या होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है सॉफ्टवेयर आपका क्लियर है बात सभी को तो यहां से ये सारी चीजें जो है आपके सामने है क्लियर है

फर्मवेयर सॉरी शेयरवे और फ्रीवेयर फ्रीवे संबंधित आपके सॉफ्टवेयर से किस चीज से संबंधित है बच्चों सॉफ्टवेयर से संबंधित है जो सॉफ्टवेयर आपका कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर से संबंधित है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित है ठीक है ना मैंने कहा कि एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है आपका वो दो प्रकार का होता है कौन सा कौन सा होता है एक होता है शेयरवेयर एक होता है फर्मवेयर क्या होता है एक होता है शेयरवेयर और एक होता है फर्म वेयर ठीक है ना जो आप सॉरी फ्री वेयर फ्रीवेयर जो होता है वो क्या होता है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्या होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जो आपका फ्री वेयर होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कैसा फ्री ऑफ कॉस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है जो किसके साथ आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉरी दूसरा कौन सा होता है शेयरवेयर होता है कौन सा होता है शेयरवेयर होता है शेयर वेयर कौन सा होता है शेयर वेयर होता है आपका ट्राई बिफोर यूज कौन सा होता है ट्राई बिफोर यूज होता है भाई पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें ठीक है ना ट्राई बिफोर यूज होता है यानी कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें क्लियर है बात सभी को यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा कि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है सर बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है इसकी फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म और शॉर्टकट की आप बिल्कुल भी मत छोड़ना किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है महत्वपूर्ण होती है हर एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी रीड ओनली का मतलब क्या होता है रीड ओनली का मतलब है सिर्फ हम इसे पढ़ सकते हैं इसमें कुछ लिख नहीं सकते यानी कि इसमें हम राइट नहीं कर सकते क्लियर है बात यानी कि अगर राइट नहीं कर सकते तो ये मेमोरी भी कैसी है ये मेमोरी आपकी परमानेंट मेमोरी होती है कैसी मेमोरी होती है ये आपकी परमानेंट होती है कैसी मेमोरी परमानेंट टेम्परे का उल्टा क्लियर है बात सभी को इसका राइट आंसर ये होगा चलिए आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखो और आंसर करो भाई हाँ जी देखो और आंसर करो भाई विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मोडिफायर की कह रहा कि इनमें से कौन सी मोडिफायर की है ठीक है ना मोदी नहीं है ये ये क्या है हाँ आपका मोडिफायर है क्या है मोडिफायर है भाई ठीक है ना इनमें से कौन सी मोडिफायर की होती है क्लियर तो बताओ भाई कौन सी होती है मोडिफायर की मोडिफायर की कीबोर्ड की, 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 की बात कर रहा है किस चीज की बात कर रहा है ये आपके कीबोर्ड की बात कर रहा है कीबोर्ड की बात कर रहा है और कीबोर्ड पे की कितनी होती है कीबोर्ड पे जो की होती हैं एन सी ई आर टी के अकॉर्डिंग 104 होती हैं कितनी होती हैं 104 होती हैं एन सी ई आर टी के अकॉर्डिंग क्लियर है, -E है बात ऐसी ऐसी जो की पूछी जाएंगी कभी मोडिफायर की पूछी जाएगी कभी आपसे टोगल की पूछी जाएगी कभी आपसे गाइड की पूछी जाएगी क्या पूछा जाएगा गाइड की आपसे पूछी जाएगी कभी आपसे नेविगेशन की पूछी जाएगी क्या पूछा जाएगा नेविगेशन की कभी आपसे पूछी जाएगी कभी आपसे नंबर की पूछी जाएगी कि नंबर की कौन सी होती हैं कभी आपसे फंक्शन की पूछी जाएंगी कि फंक्शन की कौन सी होती है क्लियर तो जो मोडिफायर की होती हैं, वो जो इनपुट आता है कंप्यूटर के पास क्या आता है कंप्यूटर के पास इनपुट आता है भाई और इनपुट को क्या कर देती हैं मोडिफाई कर देती हैं यानी कि उस रूप में इनपुट बिल्कुल भी नहीं जाएगा जिस रूप में आया है कैसे मैंने दबाया जी ए स्मॉल ए दबाया लेकिन अगर मैंने शिफ्ट यूज कर लिया इसके साथ शिफ्ट यूज कर लिया यानी कि शिफ्ट के साथ ए दबाया तो ये ए नहीं आएगा ये कैपिटल ए आएगा क्या आएगा कैपिटल ए आएगा यानी कि इसने क्या काम किया जो इनपुट मैंने देना चाहता था उसको क्या कर दिया मोडिफाई कर दिया भाई क्या कर दिया उसको मोडिफाई कर दिया क्लियर अब मैं दबाना चाहता हूं ए और साथ में जोड़ लिया मैंने कंट्रोल यानी कि कंट्रोल के साथ मैंने ए दबाया लेकिन अब क्या होगा ये सारा का सारा मामला जितना भी है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा सेलेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा सेलेक्ट हो जाएगा यानी कि इनपुट को क्या करेगा मोडिफाई करेगा बात क्लियर है सभी को तो कंट्रोल भी मोडिफाइड की है अल्ट भी मोडिफाइर की है और शिफ्ट भी मोडिफाइड की है यानी कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट यानी कि सारे के सारे ही ऑप्शन आपके क्या है सही है टोगल की कौन सी होती है जो टोगल करे एक जगह से दूसरी जगह पर ठीक है ना यानी कि जैसे पहले तो कैपिटल लेटर आ रहे थे अब आएंगे जी स्मॉल लेटर ये क्या है हाँ? आपकी टोगल की है ठीक है क्लियर बात सभी को पहले आ रहे थे जी नंबर नंबर आ रहे थे दबाने दो दबाने से दो आ रहा था लेकिन अब दो दबाने से दो नहीं आ रहा अब नेविगेशन आ रहा है एक की इधर से उधर जा रही है ठीक है क्लियर है बात सभी को पहले जो है स्क्रोल हो रही थी स्क्रीन लेकिन अब जो है स्क्रोल नहीं हो रही तो ये नेविगेशन की होती हैं कौन सी कौन सी होती हैं एक तो आपकी कैप्स लोक सॉरी टोगल की होती हैं कैप्स लोक हो गई और आपकी नम लोक हो गई और आपकी स्क्रोल लोक हो गई कौन सी लोक हो गई स्क्रोल लोक की हो गई क्लियर है बात सभी को यहाँ तक बता देना जिस किसी को भी डाउट हो तो यू कैन आस्क आप पूछ सकते हैं क्लियर है सभी को हाँ जी तो गाइड की कौन सी होती है गाइड की होती है जे और एफ और जे कौन सी कौन सी होती है एफ होती है और जे होती है दोनों की दोनों क्या होती हैं गाइड की होती है कौन सी की होती हैं गाइड की होती हैं ये गाइड करती हैं क्या करती हैं गाइड करती हैं हाँ जी बिल्कुल अब नेविगेशन की नेविगेशन की कौन सी होती है नेविगेशन की होती है ये वाली प्यारे बच्चों जो नेविगेट करती हैं जो की क्या करती हैं नेविगेट करती हैं और इसको भी नेविगेशन की कहा जा सकता है जो नम लोक की है जब नंबर को लोक कर देंगे तो वो नेविगेशन का काम करेंगे किसका काम करेंगी नेविगेशन का, का काम करेंगे ठीक है ना क्लियर बात सभी को किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक कर देना हो सके तो शेयर भी कर देना अगर आप बिल्कुल नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठीक है क्लियर है बात सभी को नंबर लॉक की आपको बताइए नंबर की कौन सी होती है जिसपे जीरो से लेकर के नौ तक होती है फंक्शन की कौन सी होती है जो बारह होती है एफ से लेकर के कहाँ तक होती है एफ तक होती है आपसे पूछा जाए फंक्शन की कितनी होती है बारह होती है कितनी होती है भाई बारह होती है क्लियर है बात सभी को ठीक है ना क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं यहां तक सभी चीजें क्लियर है भाई चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आज की क्लास में जो आरजी रेंकर गुरुकुल ऐप है अपनी उस ऐप में आज का ये क्वेश्चन जो है टॉपिक में ये करवाया था मैंने जो टॉपिक आज पढ़ा है हमने पहली क्लास थी उसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा बताओ भाई अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इमरजेंसी पावर टू योर कंप्यूटर कंडीशंस द वोल्टेज एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट पावर सर्ज इज कोल्ड एक ऐसा उपकरण बताना है जो आपके कंप्यूटर को आपातकालीन पावर प्रदान करता है शक्ति का मतलब यहाँ पावर है ठीक है ना शक्ति का मतलब वो वाली शक्ति नहीं है कि कुछ बता देगा ठीक है ना वोल्टेज को कंडीशन करता है और पावर सर्ज से बचाता है यानी कि लाइट चली ना जाए अगर लाइट चली जाए तो क्या हो जाएगा भाई लाइट अगर चली जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी कंप्यूटर की फाइल जो सेव नहीं की है वो चली जाएगी वो गायब हो जाएगी हम नहीं चाहते कि ऐसा हो तो हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि जैसे ही लाइट जाए हमारे पास कम से कम दस मिनट का समय तो हो हम सारी फाइलों को अच्छे तरीके से सेव कर लें तो उसके लिए तो इन्वर्टर लेके आना पड़ेगा भाई इन्वर्टर की औकात नहीं है मैं तो गरीब सा व्यक्ति हूँ इन्वर्टर नहीं लेके आ सकते तो एक छोटा इन्वर्टर आता है, हाँ है वो ले आते हैं फिर कौन सा है वो वो है आपका यूपीएस क्या है आपका यूपीएस है भाई ठीक है ना अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है इसकी फुल फॉर्म है ये किस काम आता है पावर बैकअप प्रदान करता है क्या प्रदान करता है पावर बैकअप एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बैंकिंग के अंदर कि आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पावर बैकअप प्रदान करता है क्या प्रदान करता है पावर बैकअप यानी कि बिजली का बैकअप देता है तो इन्वर्टर तो देता है इन्वर्टर ऑप्शन में नहीं है तो हमारे पास कंप्यूटर के लिए क्या है यूपीएस है भाई क्या है यूपीएस है जिसको हम अन इंटरप्टिबल भी कह सकते हैं और अन इंटरप्टिड पावर सप्लाई भी जिसकी फुल फॉर्म हम लिखते हैं बात क्लियर है सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई

क्या पूछा है ऑफ़ ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट सिस्टम यूनिट कौन सा सिस्टम यूनिट का पार्ट नहीं होता है बी आंसर आ रहा है सभी का और मुझे लगता है कि ये आंसर आपका कौन सा होता है तो सीपी होता है जो कि आपका क्या होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है क्या होता है जो कि आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है भाई क्या होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है सीपी जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है भाई ठीक है ना कई इसको कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कह देते हैं जो कि गलत है ठीक है ना जो कि क्या है गलत है जो इसकी फुल फॉर्म आती है तो ऑप्शन में कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी आएगा कन्फ्यूज मत होना और हल्का क्वेश्चन देख के एकदम से टूट के मत पढ़ना कि ये तो इतना हल्का क्वेश्चन है ये तो बच्चों का खेल है ये क्वेश्चन तो मैं आसानी से कर दूंगा इसको आसानी से मतलब हल्के में मत लेना भारी पड़ जाएगा ठीक है ना हल्के में लेना इसको भारी पड़ सकता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है जिसके तीन भाग होते हैं कौन से कौन से एक होता है सी एक होता है ए एक होता है एम ठीक है ना जिसके कितने भाग होते हैं तीन भाग होते हैं सी यू एल यू और एम यू होता, होता है ना इसको कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है कि इसका भाग होता है कि नहीं होता है? कई बार दे दिया जाता है कई बार नहीं भी दिया जाता ध्यान रखना इस बात का ठीक है ना तो ये है जो सिस्टम यूनिट का पार्ट होता है सिस्टम यूनिट का पार्ट होता है कौन होता है सी पी यू होता है सी डी रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है सी डी रोम की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है भाई क्या होती है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है क्लियर है बात ये मेमोरी है कौन सी मेमोरी है रीड ओनली क्या है कंपैक्ट डिस्क ठीक है ना और अगर आप इस इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो रैंकर गुरु को लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ये पीडीएफ जो है क्लास के ख़त्म होते ही आपको शेयर कर दी जाएगी क्लियर ठीक है हाँ जी इसका राइट आंसर होगा बी बिल्कुल सही उत्तर है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि सी है बेसिक है कोबोल है और जावा है ये एग्जाम्पल है लैंग्वेज के कौन सी लैंग्वेज के उदाहरण है आपने बताना है क्या बताना है कौन सी लैंग्वेज के उदाहरण है भाई बताओ भाई क्लियर <coughs> कौन सी लैंग्वेज के उदाहरण है सी है जावा है बेसिक है, कोबोल है, कोबोल ये कौन सी भाषा के उदाहरण है ठीक है ना तो भाषा की बात आई भाषा क्या होता है मीन ऑफ कम्युनिकेशन भाषा क्या होता है बातचीत का साधन होती है भाषा ठीक है ना जैसे हिंदी है जैसे इंग्लिश है ये क्या होती है आपकी बातचीत का साधन होती है क्लियर लेकिन लेकिन जो भाषा होती हैं आपकी एक तो एल 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 होती है लो लेवल लैंग्वेज होती है एक एच एल एल होती है हाई लेवल लैंग्वेज होती है और ऊप् होती हैं ऊप् क्या होती हैं ऊप् होती हैं भाई क्लियर है बात क्या होती हैं ऊपस होती हैं और भी होती हैं कौन सी होती हैं मार्कअप लैंग्वेज होती हैं कौन सी होती हैं भाई मार्कअप लैंग्वेज होती हैं और भी होती है और कौन सी होती है और होती है आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है स्क्रिप्टिंग कौन सी भाषा होती है स्क्रिप्टिंग भाषा होती है क्लियर है बात तो एल 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 का मतलब क्या है आपका लो लेवल लैंग्वेज है क्या मतलब है लो लेवल लैंग्वेज है एच एल एल का क्या मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज है भाई हाई लेवल लैंग्वेज है क्लियर है बात सभी को हाई लेवल लैंग्वेज है भाई ऊप् का क्या मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या मतलब होता है उपस का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है ओप्स क्लियर क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम भाई क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है ओप्स क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है ओप्स भाषा कैसी भाषा ओप्स भाषा जो ओप्स भाषाएं हैं वो सारी की सारी जो भाषाएं हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज ही होती हैं कैसी होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज ही होती हैं क्लियर है बात सभी को अब देखो अब अब आगे क्या है अब ये पूछ रहा है कि सी बेसिक कोबोल ये भाषाएं कैसी हैं पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो भाषाएं हैं जावा को छोड़ करके ये तीनों भाषा जो है आपकी कौन सी है थर्ड जनरेशन की भाषा है कौन सी जनरेशन की भाषा है थर्ड जनरेशन की भाषा है यानी कि ये तीसरी पीढ़ी में आई थी कौन सी पीढ़ी में आई थी ये तीसरी पीढ़ी के अंदर आई थी पहली पीढ़ी की भाषा कौन सी है फिर पहली पीढ़ी की भाषा है मशीन भाषा कौन सी भाषा है कमेंट लिखा करो फटाफट मशीन भाषा दूसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा आई दूसरी पीढ़ी में भाषा आई असेंबली कौन सी भाषा आई प्यारे बच्चों असेंबली भाषा आई ठीक है और तीसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा आई हाई लेवल लैंग्वेज आई और हाई लेवल लैंग्वेज में जो सबसे पहली सबसे पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती है वो मानी जाती है फोरट्रान कौन सी मानी जाती है फोरट्रान मानी जाती है प्यारे बच्चों कौन सी मानी जाती है फोरट्रान मानी जाती है ठीक है ना तो ये जो भाषा है ये सारी की सारी कैसी भाषाएं हैं हाई लेवल लैंग्वेज हैं कैसी भाषाएं हैं हाई लेवल लैंग्वेज की भाषाएं हैं क्लियर है बात सभी को कैसी भाषाएं हैं हाई लेवल लैंग्वेज की भाषाएं हैं अगर आपसे पूछ ले असेंबली भाषा जो है वो कौन सी भाषा होती है असेंबली भाषा कौन सी भाषा है लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली भाषा

पहले से चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है पहले से ही चालू करना है कंप्यूटर को और रीस्टार्ट करना है यानी कि रीस्टार्ट करना यानी कि पहले से चालू कंप्यूटर है उसी को रीस्टार्ट कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा बताओ भाई क्या कहलाएगा पहले से ही शुरू है कंप्यूटर लेकिन फिर हमने बटन दबा दिया उसको रीस्टार्ट कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे बताओ भाई उसको क्या बोलेंगे कौन सी बूटिंग उसको हम बोलने वाले हैं कौन सी बूटिंग बोलेंगे भाई उसको बताओ तो उसको बूटिंग का नाम दिया जाता है कौन सी बूटिंग देखो स्टार्ट करना जो होता है कंप्यूटर का स्टार्ट करना क्या कहलाता है आपका बूटिंग कहलाता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या कहलाता है भाई साहब बूटिंग कहलाता है कौन सी बूटिंग कहलाता है तो बूटिंग दो प्रकार की होती है आपकी बूटिंग कितने प्रकार की होती है आपकी दो प्रकार की होती है जो एक तो होता है बड़ा बटन एक होता है छोटा बटन जब हम सी बॉक्स पे देखते हैं तो एक बड़ा बटन होता है एक छोटा बटन होता है जो आपका बड़ा बटन होता है ये तो होता है आपका पावर बटन बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं पावर बटन बोलते हैं जैसा कि आज की क्लास में आप

कोल्ड होती है और जो सॉफ्ट होती है वो वार्म होती है यानी कि नरम चीज जो है वो क्या होगी सॉफ्ट होगी क्लियर है सभी को तो ये कब होती है ये होती है जब बिल्कुल शुरू से सिस्टम को स्टार्ट किया जाए बिल्कुल शुरू से सिस्टम को क्या किया जाए स्टार्ट किया जाए भाई ठीक है ना बिल्कुल शुरू से जब शुरू किया जाएगा कंप्यूटर को मोबाइल को तो क्या होगा कोल्ड बूटिंग होगी और जब हम सिस्टम को क्या करेंगे रीस्टार्ट करेंगे तो कौन सी बूटिंग होगी भाई जब हम सिस्टम को क्या करेंगे रीस्टार्ट करेंगे तो कौन सी बूटिंग होगी वॉरम बूटिंग होगी भाई कौन सी बूटिंग होगी वॉरम बूटिंग होगी क्लियर है बात सभी को वॉरम बूटिंग होगी अब वॉरम वॉरम बूटिंग के अंदर एक क्वेश्चन पूछा आता, आता है कि आप ये बूटिंग के अंदर एक क्वेश्चन पूछा आता है कि आप ये बताइए कि फाइल लॉस्ट होने का डर कौन सी बूटिंग में होता है बताएं कमेंट करके फाइल लॉस्ट होने का डर कौन सी बूटिंग के अंदर होता है कमेंट करके बताएं हार्ड में होता है या सॉफ्ट में होता है फाइल लॉस्ट हो जाएगी ऐसा डर कौन सी बूटिंग के अंदर होता है बताएं भाई और लॉगिंग ऑफ क्या होता है लॉगिंग ऑफ सट डाउन नहीं होता ध्यान रखना ठीक है ना लॉग ऑफ सट डाउन करना बिल्कुल भी नहीं होता आपसे पूछा जाएगा लॉग क्या होता है लॉग होता है आपका रिकॉर्ड लॉग क्या होता है एक किस्म से रिकॉर्ड होता है जो आपकी विंडो आपके सामने आए हुए है उसको ऑफ कर देना लॉग ऑफ होता है क्या होता है लॉग ऑफ होता है ध्यान रखना ठीक है ना स्पीड से तो न चल रहे है? बता देना कमेंट करके ठीक है ना ये बिल्कुल सही कहा किसी ने कि सॉफ्ट बूटिंग होती है कौन सी बूटिंग होती है सॉफ्ट बूटिंग होती है यानी कि वॉर्म बूटिंग होती है जिसमें फाइल लॉस्ट होने का डर बना रहता है क्या बना रहता है फाइल लॉस्ट होने का डर बना रहता है क्लियर है बात सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इन में से कौन सी टर्म जो है आइटम जो है कौन सी हार्डवेयर नहीं है आसान क्वेश्चन है आई थिंक एक बार रिप्लाई करें सभी आसान क्वेश्चन है बिल्कुल इन में से कौन सी टर्म हार्डवेयर नहीं है क्या पूछा है हार्डवेयर ही नहीं है कौन सी टर्म है ऐसी जो हार्डवेयर नहीं है कीबोर्ड है मोनिटर है फाइल है माउस है या नन ऑफ दीज है भाई कौन सी है देखो कीबोर्ड आपका हार्डवेयर होता है जिसे हम छू सकते हैं टेंजिबल पार्ट है ठीक है ना माउस आपका टेंजिबल पार्ट है मॉनिटर आपका टेंजिबल पार्ट है जिसे हम दे सकते हैं छू सकते हैं एम पी थ्री एम पी थ्री फाइल को हम देख नहीं सकते छू नहीं सकते सुन सकते हैं क्या कर सकते हैं सुन सकते हैं ठीक है ना बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही जा रहे हो बिल्कुल ओके है चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज इन इंटरनेट इंटरनेट में कैसी स्विचिंग प्रयोग की जाती है बताओ भाई इंटरनेट के अंदर कैसी स्विचिंग प्रयोग की जाती है भाई इंटरनेट पे कैसी स्विचिंग प्रयोग की जाती है बताएं सर्किट स्विचिंग टेलीफोन स्विचिंग पैकेट स्विचिंग टेलेक्स स्विचिंग कैसी स्विचिंग है जो इंटरनेट पे प्रयोग की जाती है बताओ जल्दी कमेंट करके स्विचिंग कितने प्रकार की होती है स्विचिंग होता क्या है पहले तो ये सुन लो स्विचिंग क्या होता है स्विचिंग होता है एक जगह से मैसेज दूसरी जगह स्विच हो जाना यानी कि यहाँ से मैसेज उठ करके यहाँ चले जाना इसको बोला जाता है स्विच जैसे आप स्विच ऑन करते हो फिर ऑफ करते हो ऑन करते हो ऑफ करते हो ठीक है ना वो क्या है स्विच है ठीक है ना क्लियर है बात सभी को तो स्विचिंग जो होती है ऑन से ऑफ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ये तीन प्रकार की होती है आपकी कौन सी कौन सी होती है एक तो होती है आपकी सर्किट स्विचिंग कौन सी होती है सर्किट स्विचिंग होती है भाई क्लियर और एक होती है आपकी मैसेज स्विचिंग कैसी होती है मैसेज स्विचिंग होती है ठीक है ना और एक होती है आपकी पैकेट स्विचिंग कौन सी होती है पैकेट स्विचिंग होती है ये तीन प्रकार की स्विचिंग होती है सर्किट स्विचिंग मैसेज स्विचिंग पैकेट स्विचिंग तीन प्रकार की स्विचिंग होती है भाई क्लियर बात सभी को अब देखो तो ये इंटरनेट में क्या यूज की जाती है पैकेट स्विचिंग यूज की जाती है पैकेट स्विचिंग क्या यूज यूज किया जाता है 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 पैकेट स्विचिंग यूज की जाती ठीक ना क्लियर है बात पैकेट स्विचिंग में क्या किया जाता है जो मैसेज होता है आपका जो क्या होता है मैसेज होता है उस मैसेज के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं ठीक है ना जैसे आपने लिखा हेलो क्या लिखा हेलो लिखा जैसे आपने क्या लिखा हलो लिखा हलो हलो के टुकड़े किए जाएंगे टुकड़े टुकड़े करके इस इसके आगे और पीछे नंबर जोड़ दिया जाएगा कि कहां से आप आए हो कहां को जाओगे ठीक है ना कहां से आए हो कहाँ को जाओगे ठीक है ना इनमें जोड़ दिया जाता है कि दो नंबर कंप्यूटर से आया पांच नंबर पे जाएगा दो नंबर से आया है पांच नंबर पे जाएगा दो से आया है पांच पे जाएगा दो से आया पांच पे जाएगा दो से आया पांच पे जाएगा और ये छोटे छोटे जो पैकेट बने हैं सभी पैकेट अलग अलग रस्ते से जाएंगे अलग अलग रस्ते से जाएंगे रूट जो होगा इन सभी पैकेट का वो सभी का अलग अलग होगा जैसे हम बारात में जाते हैं जैसे कहाँ जाते हैं बारात में जाते हैं जब बारात निकलती है घर से तो सभी अलग अलग रूट से जाते हैं जो बच्चे होते हैं एक गाड़ी में पैक कर दिया जाते हैं उनका रूट अलग होता है जो नौजवान होते हैं जो कुछ लेने वाले होते हैं उनका रूट होता है अलग जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका डायरेक्ट रूट होता है वो चले जाते हैं सीधे ऐसे ही इसमें से कुछ पैकेट जो है डायरेक्ट जाएंगे कुछ पैकेट जो है राउंड द कॉर्नर मतलब इधर उधर को जाएंगे जब पहुंच जाएंगे सभी इकट्ठे होंगे क्या होंगे सभी के सभी इकट्ठे हो जाएंगे वहां जाकर के पैकेट रीअसेंबल होंगे क्या होंगे रीअसेंबल होंगे वहां जाकर के पैकेट जो सबसे पहले चला था वो सबसे पहले लग जाएगा ठीक है ना क्लियर है बात सभी को वही चीज होती है इसके अंदर चलिए आगे बढ़ते हैं एक चीज याद रखना इसके अंदर सर्किट स्विचिंग में एक चीज ध्यान रखना इसके लिए शब्द दे देता हूं मैं आपको डेडिकेटेड पाथ मिलेगा क्या मिलेगा डेडिकेटेड पाथ जहां ये शब्द लिखा मिल जाए ना डेडिकेटेड पाथ तो सर्किट स्विचिंग का आंसर आएगा क्या आंसर आएगा सर्किट स्विचिंग आंसर आएगा भाई क्लियर है बात सभी को सर्किट स्विचिंग क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अगला क्वेश्चन भाई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स कंप्यूटर वट टू डू इट ऑफ इंस्ट्रक्शन बताना है ऐसे इंस्ट्रक्शन का समूह बताना है जो कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है कंप्यूटर को बताता है बताओ भाई बताओ उसे क्या कहा जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहा जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है प्रोग्राम क्या कहा जाता है प्रोग्राम कहा जाता है और प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाता है सेट ऑफ प्रोग्राम को कहा जाता है सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या कहा जाता है भाई सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या कहा जाता है सॉफ्टवेयर कहा जाता है क्या कहा जाता है सेट ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है ठीक है ना सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या कहा जाता है सॉफ्टवेयर कहा जाता है क्लियर है बात सभी को यहाँ तक तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्रोग्राम होगा यानी कि डी होगा जो बी नंबर पे दे रखा है ठीक है ना कंपाइलर क्या है कंपाइलर आपका एक ट्रांसलेटर है भाई कंपाइलर क्या है आपका ट्रांसलेटर है जो ट्रांसलेटर कैसा है ट्रांसलेटर आपका ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है सॉरी लैंग्वेज प्रोसेसर है कैसा है लैंग्वेज प्रोसेसर है भाई कैसा है ये लैंग्वेज प्रोसेसर है और लैंग्वेज प्रोसेसर कैसा सॉफ्टवेयर है लैंग्वेज प्रोसेसर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है भाई कैसा सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है लैंग्वेज प्रोसेसर प्रो आपका कैसा सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है भाई yeah. क्लियर बात सभी को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है भाई हाँ जी क्लियर भाई कॉमन कोर्स जितने भी चल रहे हैं ऐप में आरजी जो अपनी ऐप है कॉमन कोर्स जो चल रहे हैं जो भी कोर्स चल रहे हैं जीएसके के उन सभी में अपनी क्लास चलती है ठीक है ना उन सभी में क्लास शुरू हो गई है कंप्यूटर की आज पहली क्लास थी ठीक है आप पूछ रहे कि कंप्यूटर के बैच के बारे में बताएं सर ठीक है ना क्लियर बात सभी को तो यहाँ ये राइट आंसर इज डी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ ब्रेकिंग फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक कोल्ड एच फिजिकल मेमोरी को फिक्स साइज के ब्लॉक में तोड़ना क्या कहलाता है फिजिकल मेमोरी को मेमोरी दो प्रकार की है कौन सी कौन सी फिजिकल और लॉजिकल कौन सी कौन सी मेमोरी है फिजिकल मेमोरी है और लॉजिकल मेमोरी है वो भी दो प्रकार की होती है प्राइमरी और सेकेंडरी वो भी है आपकी दो प्रकार की ठीक है ना खैर आजकल ये क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं आजकल ये क्वेश्चन आना क्या हो गए हैं बंद हो गए हैं क्यों बंद हो गए हैं क्योंकि सभी को पता चल चुका है कि मेमोरी दो प्रकार की नहीं मेमोरी तो बहुत प्रकार की होती है ठीक है ना मेमोरी जो होती है वो बहुत प्रकार की होती है फिक्स साइज के ब्लॉक की बात करें और फिजिकल मेमोरी की बात करें तो फ्रेम का जिक्र आएगा किस चीज का जिक्र आएगा फ्रेम का जिक्र आएगा अगर लॉजिकल मेमोरी की बात करें तो पेज का जिक्र आएगा किसकी बात करें अगर ये बात करें लॉजिकल मेमोरी की तो फिर पेज का जिक्र आएगा किस चीज का जिक्र आएगा पेज का जिक्र आएगा फिक्स साइज ब्लॉक की बात करें तो बात क्लियर है सभी को अगर फिक्स साइज के ब्लॉक की बात ना करें तो सेगमेंट आएगा क्या आएगा सेगमेंट आएगा अगर फिक्स साइज के ब्लॉक की बात ना करें तो अनफिक्स्ड साइज की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट साइज की बात करें तो क्लियर है बात सभी को हाँ तुक्का लगा के थे क्या चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं तुक्का भी ज़रूरी है आप आंसर जरूर किया करें आंसर करने से आपका क्या होगा कि अब की बार बाई चांस गलत हो गया लेकिन पेपर में गलत बिल्कुल भी नहीं होगा नेक्स्ट टाइम जहाँ भी लिखोगे तो सही लिखोगे गलत नहीं होगा ठीक है इसीलिए आंसर ज़रूर किया करें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं द टर्म यूज़ टू डिफाइन ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसी टर्म बतानी है एक ही टर्म जो कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट सिस्टम को बताती है वो क्या कहते हैं भाई बताओ कोई बात नहीं तुक्का भी चलता है तुक्का भी चलता है कोई नहीं यहाँ आप सीख रहे हो यहाँ एग्जाम नहीं दे रहे हो सीख रहे हो और सीखा कब जाएगा जब गलतियां करोगे तभी तो सीखा तो जाएगा ठीक है ना गलतियां करोगे तो सीखोगे ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं सीखोगे कोई दिक्कत नहीं आंसर जरूर किया करें यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि आपके नंबर जो है वो काट लिए जाएंगे ठीक है नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है ये कह रहा है कि एक ऐसी टर्म बतानी है जो सभी इनपुट और सभी आउटपुट डिवाइस को बताए एक बार में ही बता दे एक शब्द ऐसा बताना है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बताता है एक शब्द बताना है मोनिटर कह रहे हैं अरे होगी इतना छोटा सा क्वेश्चन इतना बढ़िया क्वेश्चन मॉनिटर थोड़े ना होता है मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है ये इनपुट नहीं है सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट में से कोई भी नहीं है तो हार्डवेयर है क्या है हार्डवेयर कहा जाएगा क्या कहा जाएगा हार्डवेयर कहा जाएगा क्लियर इन सभी को पेरीफेरल डिवाइस भी कहा जाता है क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है पेरीफेरल डिवाइसेस भी कहा जाता है पेरीफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं जो मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होती क्या नहीं होती जो मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होती वो पेरीफेरल डिवाइस होती हैं भाई क्या होती हैं जो मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होती वो पेरीफेरल डिवाइस होती हैं नहीं होती मेन सिस्टम का हिस्सा कौन होते हैं सीपीयू होता है मदरबोर्ड होता है वो मेन सिस्टम का हिस्सा होते हैं उनके बारे में पूछा जाए तो वो पेरिफेरल नहीं है बाकी ये सारी की सारी पेरिफेरल डिवाइस है जितनी बच गई वो सारी की सारी क्या है आपकी पेरिफेरल डिवाइस है क्लियर है बात सभी को यहाँ तक चलिए आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है बताएं भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम बता दो जल्दी ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो नए जुड़े हैं बिल्कुल लास्ट में जुड़े हैं वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई ठीक है बताओ भाई ऑपरेटिंग <coughs> सिस्टम जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर आपके किस प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं कौन से कौन से होते हैं आपका एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है एक सिस्टम होता है क्या होता है आपका एप्लीकेशन होता है भाई एक सिस्टम होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है क्लियर है जो सिस्टम होता है जो क्या होता है जो सिस्टम होता है वो कितने प्रकार का होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो तीन प्रकार का होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है एक आपका लैंग्वेज प्रोसेसर होता है ठीक है ना ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज प्रोसेसर तीन प्रकार का होता है जो आपका एप्लीकेशन होता है वो आपका दो प्रकार का होता है एक शेयर वेयर होता है शेयर वेयर होता है और एक आपका फर्म वेयर होता है ठीक है ना शेयर वेयर और सॉरी शेयर वेयर और फ्रीवेयर होता है क्या होता है शेयर वेयर होता है और फ्रीवेयर होता है क्लियर है बात सभी को शेयरवेयर और फ्रीवेयर होता है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसका भाग है सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है ऑपरेटिंग सिस्टम किसका भाग है भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है क्लियर है बात सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं फोरटर्न इज कोल्ड फोरट्रॉन जो है वो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है फोरटान मैंने आपको पहले ही बताया अभी कि फोरट्रॉन जो है सबसे पहली भाषा है हाई लेवल लैंग्वेज सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज है भाई फोरट्रॉन क्या है आपकी सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज है भाई सबसे पहली एच एल एल है फोरट्रन कौन सी है फोरटान है जो कि तीसरी जनरेशन की भाषा है कौन सी जनरेशन की भाषा है तीसरी जनरेशन की भाषा है क्लियर है वाची को क्लियर है 6 बजे क्लास शुरू हुई थी भाई 6 6 बजे क्लास शुरू हुई थी नेट सिक्स ओ क्लॉक तो बताएं तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका नाम है इसका क्या नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन क्या नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं इसको ठीक है ना फॉर्मूला ट्रांसलेटर जो फॉर्मूला ट्रांसलेटर लैंग्वेज है ये साइंटिफिक लैंग्वेज कही जाती है क्या कहा जाता है इसे साइंटिफिक लैंग्वेज इसको कहा जाता है भाई साइंटिफिक भाषा है एक ऐसी भाषा है साइंटिफिक भाषा है क्लियर है वादी को हाँ जी थर्ड जनरेशन बिल्कुल सही बात है एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ एक ऐसी डिवाइस बतानी है जो कनेक्ट करती है नेटवर्क को विदाउट द यूज ऑफ केबल केबल के बिना इज सेड टू भाई इसमें केबल नहीं यूज करते कह कि ऐसी डिवाइस है जो यूज की जाती है बताओ कैसी डिवाइस कौन सी डिवाइस होती है ऐसी ऐसी कौन, कौन सी डिवाइस होती है भाई ठीक है ना हाई लेवल लैंग्वेज तो दो ही है नहीं रितु जी दो नहीं है हाई लेवल लैंग्वेज तो मार्केट में लगभग एक हजार है वो लो लेवल लैंग्वेज है दो दो ही है एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज ठीक है ना आप इसे करेक्ट कर लेना ठीक है जहां से भी आपने मतलब पढ़ा है तो इसे करेक्ट कर लेना एक बार जहां से भी आपने नोट्स वगैरह बना रखे हैं तो देखो ये एक ही चीज है वो है आपका जिसे आप कहते हो वाईफाई क्या कहते हो वाईफाई कहते हो वायरलेस फ्यूटिलिटी क्या होता है ये आपका वायरलेस फिडिलिटी जिसकी फुल फॉर्म होती है क्या होती है वायरलेस फिडिलिटी फुल फॉर्म होती है क्लियर वायरलेस फिडिलिटी आजकल कल लाइफाई भी आया हुआ है क्या आया हुआ है आजकल लाइफाई भी आया हुआ है आजकल लाई फाई की फुल फॉर्म कमेंट करो एक बार लाइफाई की फुल फॉर्म कमेंट कर दो इसका आंसर दे देता हूँ मैं डिवाइस दैट कनेक्ट क्या 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 होगा? Wireless होगा. With the use of cable, क्या होगा? Wired होगा. क्या होगा? होगा. होगा? होगा. भाई ठीक होगा? होगा. है ना जी बिल्कुल सही कहा लाइफाई की जो फुल फॉर्म होती है वो लाइट फिडिलिटी होती है क्या होता है लाइट फिडिलिटी होती है भाई ये लाइट की सहायता से लाइट की सहायता से डेटा को ट्रांसफर करती है भाई लाइट की सहायता से डिटाउ क्या करती है ट्रांसफर करती है बिल्कुल सही बिल्कुल सही बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं ओपन सोर्स क्या होता है जिसका सोर्स ही ओपन हो ओपन सोर्स क्या होता है जिसका क्या हो सोर्स ही ओपन हो वो होता है ओपन सोर्स जिसका सोर्स ही क्या हो ओपन हो वो होता है ओपन सोर्स क्या होता है ओपन सोर्स होता है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं इसमें लिनक्स शामिल है जिसका ओपन सोर्स है जो कि ओपन सोर्स है नहीं जिसका सोर्स कोड ही ओपन है इसमें और क्या शामिल है इसमें मोजिला फायर फोक्स शामिल है मोजिला फायर फोक्स जो आपका वेब ब्राउज़र होता है ये भी आपका ओपन सोर्स है क्या है ओपन सोर्स है क्लियर है बात सभी को हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर जो है वो किसने दिया बेसिक आर्किटेक्चर जो है कंप्यूटर का वो किसने दिया है भाई? भाई. क्लियर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कंप्यूटर का किसने दिया कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसने दिया था दो कह रहे हैं दो चारेज ने दिया था है? बी कह रहे हैं सभी एक बार आंसर आने दो सभी आने दो आने दो देखते हैं किन किन का सही मिलेगा देखते हैं किन किन का सही मिलेगा ब्लेज पास्कल जो है इन्होंने क्या बनाई थी मशीन थी, थी? पास्कलीन मशीन बनाई थी ब्लेज पास्कल ने किसने बनाई थी ब्लेज पास्कल ने पास्कलीन मशीन जिसे क्या कहा गया एडिंग मशीन भी कहा गया क्या कहा गया एडिंग मशीन भी कहा गया कब बनाई थी एडिंग मशीन जिसका बनाई थी भाई 1642 सौ ईस्वी की बात है कब की बात है ये 1642 सौ ईस्वी की बात है ब्लेज पास्कल ने तैयार की थी ठीक है ना जोड़ और घटा करती थी क्या करती थी जोड़ और घटा करती थी जिससे कंप्यूटर की नींव रखी गई यानी कि जिससे कंप्यूटर के बारे में सोचा गया क्लियर चार्लस बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर क्या कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्लस बेबेज को ठीक है ना फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है चार्लस बै को कहा जाता है भाई किसको को क्लियर है वाची को तो जॉन वॉन न्यूमन जो है ये क्या है जॉन वॉन न्यूमन इन्होंने दिया था कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर क्या दिया था कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर दिया था इनके बारे में एक बात और कहा कही जाती है हाँ जी आपका क्वेश्चन मैसेज आ, आ रहा है भाई बिल्कुल आ रहा है आपका मैसेज आ रहा है इन्होंने इनके बारे में एक बात और कही जाती है कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो जॉन वॉन न्यूमन का है विकास में सबसे ज्यादा योगदान माना जाता है जॉन वॉन न्यूमन का सबसे बड़ा योगदान कह लीजिए सबसे ज्यादा योगदान कह लीजिए जो सबसे ज्यादा योगदान है वो किसका है जॉन वॉन न्यूमन का है भाई क्लियर है बातवी को क्लियर है तो थ्री इज राइट आंसर अगला क्वेश्चन जल्दी कीजिए टर्म है जी इज रिलेटेड टू कह रहा कि जी टर्म है ये किस चीज से रिलेटेड है भाई बताओ किस चीज से रिलेटेड है जी आई क्या होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या होता है गार्बेज इन और गार्बेज आउट होता है भाई क्या होता है गार्बेज इन और गार्बेज आउट होता है जी आई जी ओ यानी कि इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जैसा बोगे वैसा काटोगे क्या मतलब होता है जैसा बोगे वैसा काटोगे यानी कि एज यू शो शैल यू रीप क्या होता है भाई एज यू शो शैल यू रीप यानि कि जैसा इनपुट दिया है वैसा ही तो आउटपुट आएगा जिस प्रकार का इनपुट दिया है वैसा ही तो आउटपुट आएगा अगर चक्की में गेहूं के दाने डाले गए हैं तो आटा भी तो गेहूं का ही मिलेगा अगर चक्की में दाने ही बाजरे के डाले गए हैं तो आटा भी तो बाजरे का ही मिलेगा ऐसा तो हो नहीं सकता कि गेहूं के दाने डाले हों और आटा मिल जाए हमें चने का ऐसा हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए गेहूं के दाने से आटा जो मिल जाए वो चने का मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्यों नहीं पॉसिबल है क्योंकि जैसा इनपुट देंगे वैसा ही तो आउटपुट हमें मिलने वाला है क्लियर बिल्कुल सही बात है तो यह कह रहा है कि, कि किस चीज से संबंधित है ये ये संबंधित है एक्यूरेसी से किस चीज से संबंधित है एक्यूरेसी से संबंधित है वर्सटैलिटी क्या होती है वर्सटैलिटी होती है आपकी विभिन्नता क्या होती है विभिन्नता होती है वर्सटैलिटी यानी कि एक काम में नहीं कंप्यूटर को बहुत सारे कामों में प्रयोग किया जा सकता है बहुत सारे कामों में प्रयोग किया जा सकता है यहां एक्यूरेसी बनेगा गार्बेज इन गार्बेज आउट में क्या बनेगा एक्यूरेसी बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साथ लिखने और पढ़ने के संचालन की अनुमति देता है लिखा और पढ़ा जा सकता है एक साथ भाई ऐसा कौन सा है बताओ भाई बताओ भाई ऐसा कौन सा है जो एक साथ लिखने और पढ़ने दोनों की अनुमति देता है ऐसा कौन है इनमें है, है नन ऑफ है देखते हैं आप में से ये क्वेश्चन जो है किन किन का सही मिलेगा उसको दो स्टार मिलेगा जिसका ये सही मिलेगा अभी उत्तर आना शुरू हो चुका है और मुझे लग रहा है कि उत्तर आपका सही नहीं आ रहा कुछ का सही भी आ रहा है डोंट वरी बी हैप्पी तो रोम जो होती है वो क्या होती है रीड ओनली मेमोरी होती है क्या होती है रोम जो होती है वो क्या होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है क्लियर ई रोम नहीं होती ई पी रोम होती है और ई पी रोम होती है ये दो प्रकार की होती है एक होती है ई e रोम और एक होती है ई पी रोम क्या होती है ई e -E

सीक्वेंस होती है एक रैंडम होती है और एक सीक्वेंस होती है तो रैंडम क्या होती है रैंडम का मतलब होता है कहीं से भी कहीं से भी क्या मतलब होता है कहीं से भी जैसे आप टेंट में जाते हो खाना खाने के लिए टेंट में तो सबसे पहले आक्रमण कहाँ करते हो सबसे पहली स्टॉल पे आक्रमण करते हो या किसी भी स्टॉल पे जाकर के झूम जाते हो लग जाते हो तो आप किसी भी स्टॉल पे चले जाते हो क्योंकि सबसे पहले आक्रमण जरूरी नहीं है कि पहली स्टॉल पे होगा हमारी जरूरी नहीं है कि पहली स्टॉल पे चॉइस वाली चीज़ रखी होगी तो हम कहीं भी आक्रमण कर देते हैं कहीं भी घुस जाते हैं और उसके बाद भी सीक्वेंस में नहीं पड़ते सीक्वेंस में नहीं जाते कि पहले गोलगप्पे खाए हैं फिर उसके बाद चावल रखें तो चावल खाएंगे वो कहीं से भी खा लेते हैं पहले गोलगप्पे गप्पे तो फिर आइसक्रीम पे चले जाते हैं फिर कहीं कुछ कभी कुछ कभी, कभी कुछ है ना तो वो रेंडम है क्या है रेंडम सीक्वेंस में कब होगा जब टेंट में शुरू से पहली स्टॉल से शुरू हो जाए और आखिरी स्टॉल तक पूरा चक्कर लगाते ठीक है ना एक एक करके सारी चीज खाएं वो होता है सीक्वेंस क्या होता है सीक्वेंस होता है क्लियर तो ये जो मेमोरी होती है रीड ओनली मेमोरी जो होती है और ये ये जो मेमोरी होती होती है ये आपकी होती है आपकी रीड 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 ओनली 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 राइट राइट नहीं 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 होता नहीं होता नहीं होता इसके अंदर क्या का मतलब है सिर्फ पढ़ सकते हैं लिख नहीं सकते भाई साहब आप इसमें कुछ भी लिख नहीं सकते हैं तो साइमल्ट ये कह रहा है कि राइट भी करना है तो राइट करना है तो आपको रैम लेकर आनी पड़ेगी क्या लेकर आनी पड़ेगी रैम लेकर आने पड़ेगी अगर आपने राइट करना है क्या करना है राइट करना है क्लियर चलिए अगला क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है जी राम राम भाई सभी को राम राम हाँ जी सभी को राम राम जय हिंद भाई चलिए देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल कह रहा है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल है ऐसी कौन सी मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी मेमोरी है कैसी नॉन वोलेटाइल दो होता है. का मतलब पानी में घुल जाएगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो वोलेटाइल वो होती है जिस लाइट जाने के बाद डेटा खत्म हो जाए क्या हो जाए लाइट जाने पर डेटा खत्म हो जाए भाई वो होती है वोलेटाइल क्या होती है वोलेटाइल होती है लाइट जाने पर डेटा ख़त्म हो जाए वोलेटाइल होती है और लाइट जाने पर डेटा ख़त्म ना हो नॉन वोलेटाइल होती है क्या होती है नॉन वोलेटाइल लाइट जाने पर डेटा ख़त्म ना हो डेटा ख़त्म ना हो भाई ठीक है ना अरे इंटरनेट वाला डेटा की बात नहीं कर रहा मैं इंटरनेट वाले डेटा की बात नहीं कर रहा यहाँ डेटा कंप्यूटर वाला डेटा जो मीनिंगस होता है जो किसी इंफॉर्मेशन का पार्ट होता है किसी इंफॉर्मेशन का पार्ट होता है इसका मतलब क्या पूछा है नॉन वाले पूछा है तो रोम होती है क्या होती है रोम होती है डी रैम का मतलब क्या होता है डी का मतलब बता देता हूँ रैम का बता दिया मैंने आपको डायनामिक होता है क्या होता है डायनामिक डी फॉर डायनामिक एस का मतलब क्या होता है एस का मतलब होता है स्टैटिक क्या मतलब होता है स्टैटिक स्टैटिक होती है स्थिर स्ट्रेटिक क्या होती है स्थिर और डायनमिक क्या होती है जो बदलती रहे जो क्या रहे बदलती रहे चेंजेबल वो होती है आपकी डायनामिक ये मेमोरी जो होती है डी रैम ये आपकी क्या होती है ये आपकी मेमोरी जो होती है वो रिफ्रेश होती है कैसी होती है रिफ्रेश होती है इसका रिफ्रेश रेट कितना होता है दो से दस मिली सेकेंड में ये रिफ्रेश होती है भाई साहब ठीक है ना और इसका टाइप भी है एक क्या टाइप है एस डी रैम इसका एक टाइप है भाई क्या टाइप है एस डी रैम इसका एक टाइप है इस एस का क्या मतलब है इस एस का मतलब है सिंक्रोनियस क्या मतलब है सिंक्रोनियस रैंडम एक्सेस डायने राइट आंसर डिवाइस इनमें से कौन सी ऐसी है जिसे नहीं कहा जाता है जिसे क्या नहीं कहा जाता है पेरीफेरल डिवाइस नहीं कहा जाता है सही, exactly. बिल्कुल सही सिंक्रोनियस एग्जैक्टली बिल्कुल राइट आंसर भाई सिंक्रोनियस बिल्कुल भाई बिल्कुल बहुत अच्छे बहुत बढ़िया भाई देखो बताऊ इनमें से कौन सी पेरिफेरल डिवाइस नहीं है पेरिफेरल डिवाइस कौन सी नहीं है भाई सर ये दिल्ली पुलिस के लिए भी सफिशियंट है क्या अगर दिल्ली पुलिस की आपने थ्योरी बढ़ रखी है तो एम सी क्यू सफिशियंट होंगे लगातार क्लास अटेंड करनी पड़ेगी आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे एमएस ऑफिस के ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो कि लगातार अपनी क्लासें चलेंगी और सभी प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे ठीक है क्लियर चलिए

कंप्यूटर के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है और जो वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया भर में एक्सेप्टेड है वो कौन सा कोड होता है वो कौन सा कोड है जो दुनिया भर में एक्सेप्टेड है बताओ भाई कौन सा कोड है ये जो कोड होता है ये होता है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्या होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है भाई ठीक है क्लियर है बात कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर चेंज होता है क्या आपका एसकी कोड होता है क्या होता है एसकी कोड होता है जो क्या है आपका जो सात बिट में भी आया था और आठ बिट का भी आया था अपडेट होकर के क्लियर बी सी डी कोड की फुल फॉर्म लिख दो जल्दी से जल्दी और ये बताए तो मैं आई एस सी आई आई था ये टी नहीं था ये क्या बन गया था इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज भाई ये क्या बन गया था इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बन गया था क्लियर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्लियर है बात सभी को यहां तक बताएं भाई ठीक है ना ईबीसीडआईसी कोड जो कि माइक्रो कंप्यूटर के लिए नहीं था जो कि आपका मिनी उसके लिए था सॉरी ये जो है ईबीसीडआईसी कोड जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है एक्सटेंडेड क्या है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड भाई ठीक है ना डेसिमल इंटरचेंज कोड इसकी फुल फॉर्म है क्लियर ये माइक्रो कंप्यूटर के लिए नहीं था ये आपका मिनी कंप्यूटर के लिए और मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए प्रयोग किया जाता था एट दैट टाइम उस समय की बात है तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एस की कोड कौन सा राइट आंसर होगा एस की कोड होगा इनके अलावा एक आजकल जो चल रहा है वो कौन सा है यूनी कोड है भाई कौन सा है यूनिकोड है जो आजकल चल रहा है जिसका मतलब आपका यूनिवर्सल कोड है क्या मतलब है यूनिवर्सल कोड जिसका मतलब है क्लियर क्या मतलब है यूनिवर्सल कोड भाई क्लियर है बात सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज फास्टेस्ट चलो इसका बताओ आंसर क्या होगा फास्टेस्ट मेमोरी बतानी है कि नहीं सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है बताओ भाई सबसे फास्ट मेमोरी बतानी है कि सबसे फास्ट मेमोरी आपकी कौन सी है भाई बता दो फटाफट बता दो फास्टेस्ट मेमोरी आंसर आना शुरू हो गया है पहले वालों को डबल स्टार जिसका भी सही था पहले वालों का रीड राइट ऑपरेशन वाला उनको मैं डबल स्टार प्रोवाइड करता हूँ डबल स्टार ठीक है ना आपको डबल स्टार दिए जाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर और करो देखते हैं कौन सही आंसर कर पाता है बिल्कुल सही आंसर कौन कर पाता है सबसे फास्ट मेमोरी पूछा है कौन सी होती है रैम आंसर आना शुरू हो गया है रैम 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 रैम, रैम यानी कि राम 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 आंसर आना शुरू हो गया है रैम तो नहीं है प्यारे बच्चों रैम तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है कुछ बच्चे जो है सही उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं मैं एक मेमोरी हायर बनाऊंगा, इसमें बताऊंगा आपको कि सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी है वो कौन सी है सबसे ऊपर यह आपका सी है।, है कौन सा है सीपी इसके सीपीयू का ही पार्ट होते हैं क्या होते, है? हैं। okay. है। होते हैं रजिस्टर होते हैं सीपीयू का ही पार्ट क्या होते हैं रजिस्टर होते हैं रजिस्टर के बाद यहां एक मेमोरी होती है जिसका नाम है कैशे मेमोरी कैशे मेमोरी के बाद एक यहाँ पर एक मेमोरी होती है जिसका नाम है प्राइमरी मेमोरी यहां पर एक मेमोरी होती है जिसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी और यहां पर एक मेमोरी होती है जिसका नाम है ऑफलाइन मेमोरी यानी कि बैकअप मेमोरी यानी कि लार्जेस्ट मेमोरी, ठीक है ना क्लियर है बात सभी को अब एक चीज़ ध्यान में रख लेना हमेशा एक बात याद रख लेना जैसे ही नीचे से ऊपर जाओगे मेमोरी की स्पीड बढ़ेगी क्या बढ़ेगी मेमोरी की स्पीड बढ़ेगी और साइज़ घटेगा क्या होगा साइज घटेगा ठीक है क्लियर बात सभी को बस एक बात में ही एक बार में ही बात क्लियर है सारी की सारी चीज़ें क्लियर है भाई ठीक है ना मैंने कहा कि जैसे ऊपर जाएंगे मेमोरी का साइज तो होगा कम और स्पीड बढ़ेगी यानी कि सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है जो सीपीयू के सबसे नजदीक है वो सबसे छोटी मेमोरी है जो सीपीयू के सबसे नजदीक है रजिस्टर सबसे छोटी मेमोरी है यही तो सबसे फास्ट मेमोरी है यही तो क्या है सबसे फास्ट मेमोरी है अगर रजिस्टर ऑप्शन में ना हो फिर कैश फास्ट है फिर क्या है कैश फास्ट है अगर कैश ऑप्शन में ना हो फिर प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम फास्ट है और उसके बाद फिर आपकी सेकेंडरी मेमोरी की बारी आती है जिसमें एस एस डी जिसमें फ्लैश ड्राइव जिसमें एच डी डी और जिसमें, disk, जिसमें आपकी ऑप्टिकल डिस्क सी डी 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 बी आर डी ये सब चीजें शामिल हो जाती हैं क्लियर है बात सभी को यहां तक तो रजिस्टर इज राइट आंसर भाई रजिस्टर जो है बिल्कुल सही उत्तर है ठीक है ना रजिस्टर बिल्कुल सही उत्तर है भाई सभी को क्लियर है हां जी चलिए आगे बढ़ते हैं इन में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है कौन सा नहीं है ये पूछा है ठीक है ना इसका मतलब एक नहीं है बाकी तीन तो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम पहचान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से कौन से हैं वो पता चल जाएगा कौन सा नहीं है बस इतनी सी बात है इसका आंसर आना शुरू हो गया ये तो आपको सभी को पता है क्योंकि मोबाइल में लिए बैठे होते हो मोबाइल में लिए बैठे होते हो इसलिए इसका तो आंसर पता ही मिलेगा है ना एंड्रॉयड जो है एंड्रॉय के जितने वर्जन हैं आपके वो सारे के सारे चाहे जेलिबिन हो लॉलीपॉप हो आजकल जो जितने भी चल रहे हैं वो एंड्रॉयड के वर्जन है और ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है विस्टा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वालों का किसका है भाई माइक्रोसॉफ्ट वालों का है ठीक है ना माइक्रोसॉफ्ट वालों का है विस्टा माइक्रोसॉफ्ट वालों का क्लियर माइक्रोसॉफ्ट वालों का जिसकी विंडो सेवन है विंडो एट है सॉरी विंडो नाइन है सॉरी विंडो टेन है एक्सपी है एम ही है एन है बहुत सारी विंडो है उसकी लेकिन नाइन नहीं है ध्यान रखना ठीक है, है ना क्या नहीं है नाइन नहीं है आईओ एस बी आई फोन ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल वालों का किसका है एप्पल वालों का है भाई ओपे उपेर, ओपेरा नहीं है ओपेरा क्या है वेब ब्राउजर है ओपेरा क्या है? आपका वेब ब्राउजर है ओपेरा वेब ब्राउजर ठीक है ना ओपेरा क्या है? आपका वेब ब्राउजर है वेब ब्राउजर क्या होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है क्या होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंटरनेट पर सर्फ करने की अनुमति प्रदान करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउजर कौन सा ओपेरा किसकी बात हो रही है ओपेरा की बात हो रही है क्लियर बात सभी को यहां तक डन है चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ठीक है और लास्ट क्वेश्चन में अपना एक रूल होता है कि सभी रिप्लाई करेंगे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो सभी आंसर करेंगे चाहे चाहे गलत हो हो सही इस क्वेश्चन का आंसर बताएं ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज इनमें से कौन सा ऑपरेशन ए एल यू के द्वारा परफॉर्म होता है भाई कौन सा ऑपरेशन ए एल यू के द्वारा परफॉर्म होता है बताओ वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग राम राम जय हिंद सभी को भाई ए एल यू क्या है ए एल यू आपकी चिप का भाग है जो आपकी चिप होती है ना चिप चिप होती है एक आपकी क्या होती है चिप होती है छोटी सी चिप होती है ठीक है ना उस चिप का क्या नाम है सी पी यू नाम है इस चिप का नाम है सी पी यू ठीक है ना इस चिप का क्या नाम है सी पी यू और इस सी पी यू के तीन भाग होते हैं एक तो होता है सी यू एक होता है ए एल यू और एक होता है एम यू क्या होता है एम यू ठीक है ना इसमें से काम करने वाला व्यक्ति कौन है ए एल यू है काम करने वाला कौन है किसकी जिम्मेवारी है काम करने काम करने की किसकी है एल यू की, है। की, है? की है? है नहीं ठीक है ना बिल्कुल सही बात है चलिए तो ए एल यू के तीनों का डेटा मैनिपुलेट कर देगा एडिट कर देगा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म या स्क्र रूट ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ द अबो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था अगर किसी का कोई डाउट है तो यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर देना आपके डाउट का आंसर अगली क्लास में आपको मिल जाएगा ठीक है ना क्लियर बात सभी को उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी जैसा भी आपको फीलिंग आती है यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता देना ठीक है ना आपके कमेंट वैल्यूएबल हैं जो मुझे मोटिवेट करेंगे थैंक यू सो मच जय हिंद सभी को भाई